आज से बीजेपी शुरू करेगी गुजरात गौरव यात्रा। गुजरात मॉडल को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी में है बीजेपी। 144 विधानसभाओं में होंगी 145 जनसभाएं। 5734 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बीजेपी। गुजरात गौरव यात्रा को जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, इसी साल गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर खास ख्याल, अपनी जो तमाम योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रूठे वोटर्स को मनाने की कोशिश बीजेपी के जरिए। 144 विधानसभाओं में 145 जनसभाएं होंगी। 5734 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बीजेपी। अभिजीत भट्ट संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, आपसे समझना चाहेंगे, गुजरात गौरव यात्रा जिसको हरी झंडी और जेपी नड्डा दिखाएंगे, कितनी अहम मानी जा रही है विधानसभा चुनाव से पहले ये गौरव यात्रा? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से गुजरात विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, नवंबर या दिसंबर में होने वाला है, और 182 बैठकों वाली गुजरात विधानसभा की जो गौरव यात्रा भाजपा निकाल रही है, तो उसमें से 144 145 बैठक पे कवर करेगी गुजरात गौरव यात्रा। और खासतौर पर ये इसलिए बताया जा रहा है, ये गौरव यात्रा निकाली जा रही है कि जहां जहां पर भाजपा को 2017 में नुकसान उठाना पड़ा था, भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उस इलाके में उस बैठकों पे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी भाजपा। और खास करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो परियोजना है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक उनका लाभ पहुंचे, उसको लेके ये खास गौरव यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि जिस तरह से पिछले कई महीनों पहले भी ये गौरव यात्रा निकाली गई थी, लेकिन कोरोना के कारण उसको बंद कर देना पड़ा था, और वापस ही दोबारा ये निकल रही है गौरव यात्रा आज से। और बहुचरा जी करके मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट का जो आध्यात्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 10 बजे के आसपास उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और कल झांझर का करके धार्मिक स्थान है, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित होंगे और वहां से गौरव यात्रा निकालेंगे। इस तरह से केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेता जो है भाजपा के, वो गुजरात में आए दिन आते रहेंगे और गौरव यात्रा में शामिल होते रहेंगे। और गौरव यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचना है, लोगों को भाजपा के फेवर में करने की जो नजरिया है भाजपा का, और भाजपा ने जो टारगेट रखा है 150+ का, वो टारगेट चेस करने के लिए एक गौरव यात्रा निकाली जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभिजीत, इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो रूठे वोटर्स हैं उनको मनाने की कोशिश है इस यात्रा के जरिए, और साथ ही अपनी तमाम उपलब्धियां, तमाम जो कार्य हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश। लेकिन देखना ये होगा कितना कारगर साबित हो पाती है ये यात्रा। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में आई हुई है और तीन पार्टियों के बीच में जंग होने वाला है, तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी का भी जो प्रचार प्रसार है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आए दिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात के दौरे पर रहते, वैसे भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा वगैरह भी प्रचार के लिए आते जाते रहते। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जोर बढ़ रहा है उसके चलते भाजपा भी सतर्क हो चुकी है, और भाजपा भी जो रूठे हुए मतदाता है उनको मनाने की कोशिश कर रही है, और उनके लिए खासतौर पर गौरव यात्रा शुरू कर रही है और लोगों तक जो चलिए अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इन सब के बीच अपने आप में बेहद खास है ये यात्रा।